जे रैलियां 15 तो बाद तक ना उन्होंने क्या कि नहीं देख रहे ने कोरोना की सिचुएशन, तो फिर मीडिया के डिबेट्स के मैं तो चाहूँगा कि एक कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू की लगे, एक कुर्सी चन्नी साहब की लगे, एक कुर्सी सुखबीर बादल होर की लगे, एक कुर्सी होर बाकी पार्टियां जिहड़ियां लड़ रही उन्होंने प्रधानों की लगे, एक कुर्सी मेरी लगे। तो कनेडा अमरीका वांगू डिबेट्स के मुद्दों पर इस बार इलैक्शन लड़ी जाए, जिन्हों सारे लोग घर बैठे देख सकन। परमात्मा जो करता सही करता, नहीं तो रैलियों के जाने कट्ठ आता साढ़ा तो अपने आप आ आप मुहारे आते, असं कोई लालची या दिहाड़ी नहीं देंगे। तो दूजिया पार्टियां बड़ा कुछ करना पैंदा रैलियां कट्ठ दिखाउण वास्ते, क्योंकि उन्होंने जदों सरकारां सीगे उदों कुछ किया नहीं, तो फिर कट्ठ करन वास्ते उन्होंने कुछ ना कुछ होर तरीके अपनाने पैंदे आ। सो असी स्वागत करते हाँ इलैक्शन कमीशन दे इन्हां गाइडलाइनस का, बिल्कुल पूरी तनदेही नाल असी लड़ना है। तो जिस तरह का अंडर करंट, जिस तरह का माहौल असी देखे है, लोग नवी कहानी लिखण नू काले ने, इस करके कल चोण जाबते की भी खुशी मनाई गई है बहुत सारे इलाकों से कि शुक्र है साडा खैड़ा छुटिया इन्हां तों, ते जिहड़ी सरकार है हुण चोण जाबते की वो इलैक्शन कमीशन की है कि शुक्र है सानू कोई नवां ऐलान सानू कोई नवां गप जां नवां बोर्ड पंजाब दे विच देखण नू नहीं मिलेगा, हुण वो बोर्ड उतर गए ने। सो मैं उम्मीद करदा इलैक्शन कमीशन तो कि निरपक्ष जिहड़ी है पारदर्शिता वाली जिहड़ी इलैक्शन इत्थे होगी। 3.25 करोड़ पंजाबियों नू अपील भी करदा कि बहुत सारिया पार्टियां इहो जिहियां ने जिहड़ी नफरत फैलाउण दीआं स्पैशलिस्ट ने, वो किसी धर्म के नाते जां कोई इस तरह का तोड़फोड़ करके पंजाब दी इलैक्शन नू पोलराइजेशन करन दी भी कोशिश करनगे, पर आपां भाईचारक सांझ नहीं तोड़नी, आपां एकता बना के रखनी है अमन शांति। और एक मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी दी 10 मार्च नू आ रही है, उस तो बाद पंजाब दा हर वर्ग जिहड़ा वो खुश होगा, किसी नू धरने नहीं लाउणे पैणे, किसी नू टावर ते चढ़ना नहीं पैणा, किसी नू टैंकियां ते नहीं चढ़ना पैणा, किसी नू लाठीचार्ज का जां वाटर कैनन का सामना नहीं करना पैना, क्योंकि जदों नीयत सच्ची होवे तां पंजाब दा खजाना जिहड़ा जदों माफी दा सारा पैसा जिहड़ा हुण लीडरां दे घरां वल जांदा उहदा जिहड़ा रुख है पंजाब दे खजाने वल कीता, तां पंजाब दे विच कोई इहो जिहा स्कूल नहीं होगा जिथे खजाना खाली होण करके टीचर नहीं रखे जा रहे, पंजाब दे विच कोई इहो जिहा हस्पताल नहीं होगा जिथे दवाई जां डाक्टरां दी घाट करके किसी नूं जान गवानी पै जाए। सो इस गल की गरंटी लैने कि बिल्कुल रोड मैप तैयार है, कल्ले कल्ले वर्ग का रोड मैप तैयार है, आने वाले दिनों तुहानू असीं उहदे बारे विस्तार नाल दसदे भी रहांगे। सो 14 फरवरी नूं मैं पंजाब दे लोगों अपील करदा कि शहीदां द्वारा लखां शहीदां द्वारा कुरबानियां दे के जिहड़ा वोट पाउण दा अधिकार मिलिया उन्हूं जरूर इस्तेमाल करो, किसी लालच च ना आयो, किसी रिश्तेदारियों के दबाव च मामे फुफड़ मासड़ उन्होंने दबाव च ना आयो, पंजाब के भविख लई वोट करो, अपने बच्चों के फ्यूचर लई वोट करो। असी बहुत देख लिया लुट, बहुत देख ली कुट, सो सिर्फ कल्ले पग्गां दे रंग ही बदलते सी, सरकारां दे रंग उही रहिंदे सी। सो इस करके मैं उम्मीद करदा कि अमन अमन अमान नाल पंजाब दी इलैक्शन दा जिहड़ा प्रोसैस है वो कंप्लीट होगा, और परमात्मा अगे अरदास करदे आं कि पंजाब नू ते अपना मेहर भरिया हथ रखे, तो पंजाबी जिहड़े ने वह नवीं कहानी लिखण लई मन्ने गए ने, भावें वह आज़ादी की लड़ाई होवे पंजाब तो शुरू हुई, सारा मुल्क आजाद होया, हरी क्रांति पंजाब तो शुरू हुई, सारे मुल्क दे नाज दे भंडार भरे गए, पंजाब जिहड़ा नवें इनकलाब नू छेती अडोप्ट करदा है। सो मैनू उम्मीद है कि 10 मार्च नूं 8 बजे गिणती शुरू होगी, 10 बजे तक पंजाब जिहड़ा वो एक नवीं कहानी लिख चुका होगा।